माँ से प्यार करते हो? बाबा। बाबा से प्यार, कितना प्यार करते हो? बाबा से ही करते हो। आपको कौन खाना देता है? बाबा। किसने पैदा किया है? बाबा। मैं गई थी नीचे अर्जेंट चुस्नी लेने के लिए, बच्चे की चुस्नी रह गई थी और बच्चा बहुत परेशान करता है, तो हम जो है वो मुझे कुर्तियाँ वगैरह लेनी थी। सारी कुर्तियाँ पुरानी ख़त्म हो गई हैं, सारे कपड़े पुराने ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अपनी उसी जगह पर हूँ जहाँ से मैं कुर्तियाँ शुर्तियाँ कपड़े शपड़े लेती हूँ। गाइस, हम लोग इस वक्त आरेक रोड पर हैं एंड प्राइजेस में इतना डिफरेंस है जो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़ ग्रोसरी करने के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो वो लेनी थी। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 12:30 बज रहे हैं, और आपको तो पता है मेरी अभी अभी सुबह हुई है। नाश्ता वगैरह हमने कुछ किया नहीं है क्योंकि मुझे ये था कि बस जल्दी से ग्रोसरी वगैरह करके आ जाए एंड देन उसके बाद नाश्ता करेंगे। सो छोटा बेबी बड़ा बेबी दोनों हमारे साथ हैं एंड लेट्स गो, चलते हैं थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं एंड यस। सो मैं कंफर्टेबल होके ना पीछे बैठी हूँ आराम से, क्योंकि आगे जो अजान साहब हैं वो बहुत तंग करते हैं मुझे भी और छोटे बेबी को भी, तो बस ये सीन है। इन्हें दिखाती हूँ मैं आपको ये क्या कर रहे हैं। यहाँ ये अपने अप्पा को पटाते हुए, बस ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ काशिफ को पटाते रहते हैं, बीच में बैठ जाते हैं ये, लेकिन उसके बाद फिर इनका यहाँ वहाँ ये सब चलता रहता है। सो आप लोग बताएं, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। यार मतलब क्या है यार, आप लोग इतना देखते भी हो, मैं देख रही होती हूँ, देख सारे लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार। अगर आपने नहीं किया तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारे लेटेस्ट व्लॉग्स मिल जाएं। और सुबह सुबह का वक्त भी बड़ा प्यारा होता है, बाहर देख के अच्छा लग रहा है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। व्लॉगिंग अब मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होने लगी है, बिकॉज के एक बेबी साथ होता है, फिर ये छोटा बेबी भी हमारे साथ होता है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है यार, कि एक हाथ में बेबी एक हाथ में फिर फ़ोन, उफ बड़ा दर्द हो जाता है। लेकिन देखो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतना एंटरटेन करती हूँ आप लोगों को, वीडियोस देखते हो आप लोग, इन्जॉय कर दो। 2 मिनट में बस हम पहुँचने वाले हैं और यस, तो आज के ब्लॉग को पूरा देखना। चलो आज जो है ना ऐसा ब्लॉग बनाएंगे, यहाँ के बाद फिर घर का पूरी रूटीन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सही है, ऐसे हमारी कल की रात ऐसी गुजरी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा जो बेबी है ना छोटा वाला, वो सो ही नहीं रहा था, किसी तरह नहीं सो रहा था। अभी मैं काशिफ को यही कह रही हूँ, गाड़ी हिल रही है, हम भी हिल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो ये उठ नहीं रहा है छोटा बेबी अभी है, और रात में ओ हो मतलब समझो ऑलमोस्ट ये सुबह सोया है जी। आप चले जाओ। माँ से प्यार करते हो? बाबा। बाबा से प्यार, कितना प्यार करते हो? बाबा से ही करते हो। आपको कौन खाना देता है? बाबा। किसने पैदा किया है? बाबा। सबसे अच्छा कौन है दुनिया में? भाई मेरी बात सुनो, ये बेवफा बच्चा है भाई, सीधी सी बात है, ये बड़ा वाला, अल्लाह रहम करे छोटे वाले, मतलब नाश्ता बाबा देते हैं, खाना बाबा देते हैं, पैदा किसने किया है? बाबा। अच्छा कौन है बाबा दुनिया में? सबसे अच्छा कौन है? बाबा। बाबा और नन्ना, बस ये दो लोग हैं इसकी लाइफ में। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो अपनी चिकन कटिंग करवाई ही नहीं है, ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, इसको निकाला ही नहीं है, क्या कर सकते हैं यार बच्चों का, कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मासूम बच्चा, लेकिन अभी मुझसे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा है। मैंने एक नई एक्टिविटी शुरू की है, मेरा बेटा खाना नहीं खाता ना, अभी मैंने क्या किया कि जो भी इसका खाना मैं बना रही होती हूँ ना, तो मैं इसको बोलती हूँ बेटा आप आ जाओ शुगर डाल दो, बेटा आप आ जाओ इसमें मिल्क ऐड कर दो, और जब भी मैं उसे कुछ भी बना रही हूँ अजान को भी थोड़ा सा साथ अपने लगा लेती हूँ, तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी भी हो गई अजान की एंड वो खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये खाना उसने बनाया है एंड फिर वो खा भी लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस काशिफ गए हैं ATM पे एंड पैसे तो चाहिए ना, बस उसके बाद चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि इम्तियाज़ पे कार्ड चार्ज नहीं हो रहा होता, तो अच्छा है कि ATM हो आपके पास, वरना फिर वो एक अलग हो आ रही है, और वहाँ के ATM तो कभी काम ही नहीं करते। चाय पीने का दिल चाह रहा है, अंडा पराठा खाने का है। आ गए बाबा, पहुँच गए इम्तियाज़, और अच्छी पार्किंग भी हमें मिल गई है, और ले लें देखो मैंने ये वाला पैक ले लिया, वो ना बोल रही है ये देखो ये इसके अंदर ना कितने पता नहीं कितने पैक हैं,
ये वाला ज़्यादा ठीक है। वो क्लासिक वाला जो मैं लेती हूँ जार, वो कह रही है एक्सपेंसिव भी पड़ेगा 1100 में, ये ज़्यादा। हाँ ब्लैक कॉफ़ी तो चाहिए मुझे, मैं यही तो पीती हूँ। नहीं ना मैं पीती हूँ ना अभी तो, मुझे पसंद है ना जी। यहाँ से तो और कुछ भी नहीं लेना, पिला दो आप आराम से, कोई मसला नहीं है। वैसे सोचोगे कि इम्तियाज़ में शॉपिंग कौन इन्जॉय कर सकता है, मैं हर तरह की शॉपिंग हर जगह पे इन्जॉय कर सकती हूँ, चाहे वो लुंडा बाजार ही क्यों ना हो, इम्तियाज़ ग्रोसरी के लिए आए हो या फिर आप किसी एक लग्जरी अच्छे किसी मॉल पे गए हुए हो, हर तरह की शॉपिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब मैं काशिफ़ के साथ आती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने को मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। अकेली आती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ, लेकिन जब इनके साथ आती हूँ तो धड़ ले लेती हूँ जो चाहिए होता है। वाओ मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मज़ा आ रहा है मेरे बेटे को शॉपिंग में? हाँ भाई के साथ आज आए हैं, सबको हाई कर दो। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, देखो हम शॉपिंग में आए हैं। है भाई ऐसे ही है? मज़ा आ रहा है? मैंने क्या दिलाया अपने बेटे को? चॉकलेट। आपको पसंद है ना? भाई जितना भी जल्दी कर लो, लेकिन लेट तो हो जाता है, काफी लेट हो रहा है। और अब मुझे लगता है दो बेबीज के बाद मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन सा पैम्पर लेना होता है अजान का और कौन सा पैम्पर छोटे बेबी का। ये तो काशिफ भी देखते हैं, मिल्क का भी मुझे नंबर शंबर नहीं पता। आप बोलोगे कैसी माँ है ये, लेकिन मुझे नहीं पता सच में, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये सारे आते हैं, कुछ पता नहीं क्या होता है। बीएफ मामा जो है वो छोटू पीता है और लैक्ट्रोजन जो है वो हमारा बेबी पीता है। तो भाई इंतहा की हो रही है गर्मी और मैंने कहा कि चलो भाई गैस तो पता नहीं बाई चांस आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, और नाश्ता हमने रास्ते से ले लिया है। मैंने कहा रोटी भी दिला दें मुझे, ताकि ये होगा कि घर पर रोटी होगी, सालन रखा हुआ है, मेरा दिन भर गुजारा हो जाएगा, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। शाम में रात में देखेंगे काशिफ के लिए कढ़ाई बना लेंगे। ये इस बच्चे को मैंने चॉकलेट दिलाई और इसने मेरी चॉकलेट का ये हाल किया। अजान अब ये फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ठंडी हो जाएगी उसके बाद खाएंगे। इसने पूरी मेल्ट कर दी गाइज, और आप देखो बाहर कितना ज़्यादा गर्मी है कि मेरे बेटे की पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई। मेरा बेटा इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडी हो जाएगी, देन फिर हम खाएंगे, अभी नहीं। ठीक है इसको यहाँ रख रही हूँ मैं। ओके हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पीछे बैंक से, जिसमें पैसे निकालने बिल्कुल भी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं तो निकालूंगी कहाँ से। आज आई हुई विंडो शॉपिंग के लिए तारिक रोड, कुछ जो है वो मुझे कुर्तियाँ वगैरह लेनी थी, सारी कुर्तियाँ पुरानी ख़त्म हो गई हैं, सारे कपड़े पुराने ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अपनी उसी जगह पर हूँ जहाँ से मैं कुर्तियाँ शुर्तियाँ कपड़े शपड़े लेती हूँ। अच्छा सो भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तारिक रोड पे इस जगह पे आपको बहुत अच्छी और सस्ती कुर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। क्या कर सकते हैं ये लोग भी आगे से यार, यू नो जब महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मिल रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर ये लोग भी क्या करेंगे ना, जाहिर सी बात है कि वो एक्सपेंसिव कर ही देंगे। तो फिर उसके बावजूद भी भाई लेना तो है, क्या कर सकते हैं। अब तो वो वक्त नहीं है 1000-1200-1500 रुपये में आपको टू पीस सूट मिल जाए। मैं आपको बता दूं मार्केट प्राइस 2000-3000 समथिंग हो चुके हैं। ये सूट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये भी कोई जो है 2500-3000 रुपये का है। इस तरह की फ्रॉक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यस गाइस, हम लोग इस वक्त तारिक रोड पर हैं एंड प्राइजेस में इतना डिफरेंस है, जो 1200-1500 रुपये के ड्रेसेस मिल जाते थे टू पीस नॉर्मल पहनने के, कैजुअल वेयर जो घर में पहन लिए, कहीं आने जाने में पहन लिए, यार वो 2500-3000 रुपये के हो गए, लिटरली 2500 का अभी इन लोगों ने एक ड्रेस लिया है। पहले ये था कि बजट में आ जाता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल आउट ऑफ द बजट हो गया है। इंसान जो है ना वो घर में पहनने के लिए क्या करे, क्योंकि देखो सिलाई अगर लेकर सिलवाते हैं तो भी इतना महंगा हो जाता है, और अगर आप ऐसे बना बनाया ले रहे हो तो वो भी अब इतना सस्ता नहीं रहा है। इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, वो सीन चल रहा है। और बाकी यहीं से अच्छे मिल जाते हैं तो यहीं पर ही हम आ जाते हैं। सो यस
भाई अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, यहाँ पे 1500 समथिंग के भी यहाँ मौजूद हैं टू पीस, जो कि आप लोग देख सकते हो। क्वालिटी में फ़र्क है, घर में पहनने के लिए बुरे नहीं है यार, आराम से आप लोग ले सकते हो। तारिक रोड से, मेन तारिक रोड में जो बैंक वाली लाइन है वहाँ से, उसके बाद यहाँ से दुपट्टे ले लो। 350-400 के होते थे, अब 500-600 के होते हैं। अच्छे ये दुपट्टे मिल जाते हैं, मैचिंग हो जाती है, आराम से आप मतलब ये है कि पहन सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करें यार, अब इसी तरह गुजारा करना है, वरना ब्रांड्स के प्राइजेस तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब 4000, 5000, 7000, 8000, 10-10000, 20-20000 के ब्रांड्स के सूट हैं भाई, तो तौबा हो गई है। उसके बाद हम लोग रात में आ गए थे चाय वाय पीने के लिए, थोड़ा सा सीवियों पे चक्कर लगाया। अक्सर हम लोग खाना शाना खाने के बाद कोशिश करते हैं कि इधर उधर ज़रा चक्कर लग जाए तो मज़ा आ जाता है। इसके बाद भाई मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी वीडियो को एडिट करने में, अगर छोटा मुन्ना कहीं इधर उधर आ जाता है। प्लीज़ कॉमेंट्स में बोलो मेरे हस्बैंड को उसका फेस रिवील करने दें। कुछ नहीं होता यार, अल्लाह पाक नज़रबद से बचाएगा और आप लोग यू नो फैमिली की तरह हो। वो तो मैं कर दूंगी फेस रिवील थोड़े टाइम बाद, लेकिन वो अभी नहीं करने दे रहे जल्दी से जल्दी। मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके फेस रिवील हो जाए। कमेंट्स में लाजमी बताना। बाय बाय।